अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये है कि बता देता हूँ, आज 7 फरवरी का दिन है। जैसा कि आपको पता है कि कल 8 फरवरी है और इलेक्शन डे के हवाले से मैंने कहा चलें आज एक क्लिप जो है ना वो ऐड करते हैं, क्योंकि 8 फरवरी आपको पता है कि इलेक्शन का दिन है। तो आप लोग सारे जो है वो अपने वोट का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि आपको मतलब निकलना चाहिए अपने वोट के हक के लिए, क्योंकि ये ज़मीर की एक आवाज़ होती है। इसमें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि वोट जो हर इंसान का एक मतलब ज़ाती हक होता है। मायूस होना भी जो है वो कुफर है, ये कि आप निकलें और अपना वोट जो है वो लाजमी कास्ट करें। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लें इलेक्शन के हवाले से, ताकि ये है कि इसमें जो भी कोई एक्टिविटी है आप लोगों ने अपने घरों से निकलना है, अपना वोट कास्ट करना है और जितना हो सके लोगों को आपने निकालना है। क्योंकि 8 फरवरी एक मुल्क की तकदीर का दिन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन के हवाले से आप लोगों ने लाजमी निकलना है। और अगर किसी के दिल में हो गए यार मेरे वोट से जो है वो कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो है वो मतलब प्री प्लान है या जो भी है, लेकिन फिर भी अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये सारा सिनेरियो है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये ज्यादती है, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा इलेक्शन डे के हवाले से मतलब वीडियो क्लिप एक होना चाहिए। तो ये सारा सिनेरियो था। बाकी ये कि अभी उठाऊँ, रेडी हो गया, नमाज वगैरह पढ़ी है, नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है। मैंने कहा चलें क्लिप बना लें, मतलब मौसम जो है वो बड़ा मज़ेदार है, धूप फुल निकली हुई है। वैसे भी कल जो है वो 8 फरवरी और इलेक्शन की जो है ना इलेक्शन के हवाले से एक पब्लिक हॉलीडे है। आप अपना वोट मर्जी पार्टी को दें, लेकिन आपने वोट लाजमी डालना है। तो ये हर इंसान के एक ज़मीर का जो है वो एक सौदा होता है। लेकिन ये एक चीज़ आप याद में रखें, मौला का फरमान है, मौला इमाम मौला मालिक अश्तर से फरमाते थे कि मालिक अश्तर किसी हुक्मरान का इंतखाब करते हुए ये देखना कि उसने जो है वो पहले किसी चीज़ में ख़यानत तो नहीं की, इमानत में ख़यानत तो नहीं की। तो बस ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आप किस मर्जी पार्टी को वोट डालें, आप लोगों ने अपने मुल्क के लिए निकलना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना है, मुल्क पाकिस्तान के लिए निकलना है। तो ये है कि इंशाल्लाह कल मैं भी अपना वोट कास्ट करूँगा, मैं किसको भी वोट कास्ट करूँ, लेकिन अपने वोट के लिए आप लोगों ने निकलना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए आपने निकलना है। जिस मर्ज़ी निशान पर आप मोहर लगाएं, लेकिन आप लोगों ने हर हाल में सुबह उठना है टाइम से और लाजमी जो है वो आपने मतलब निकलना, अपने आप जो भी मतलब आपके हैं कैंडिडेट उनके आपको इंतखाबी निशान लाजमी मतलब आपके जेहन में हो, NA का और पंजाब असम्बली का। तो उसमें ये है कि आपको फिर वहाँ पे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी घर से पर्ची बनवा के जा सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट 8300 पर अपना आईडी कार्ड लिख के सेंड करें, तो आपको डिटेल आ जाएगी कि आपका घराना नंबर तीसरा नंबर क्या है और आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूँ। तो अब चलते हैं घर, घर जाके जो है वो नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी होती है ऐड करते हैं। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो ये है कि बस अब निकलना है ट्यूशन्स के लिए। पहले मैंने वो स्लीवलेस पहनी थी, लेकिन मैंने कहा शाम को आना होता, रात लेट तो सना करी थी कि आप ये फुल बाजू पहन के जाएं जैकेट, तो मैंने कहा चलें ठीक है। धूप भी माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि दिन में अब धूप थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि रात को सर्दी जो है वो रात भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है परसों भी सर्दी ठीक थी। ये है कि अब इंशाल्लाह ट्यूशन्स के लिए निकलना है, तो बाकी जो भी इंशाल्लाह एक्टिविटी होती है तो वो फिर इंशाल्लाह ऐड कर दें। जी जैसा कि कल 8 फरवरी इलेक्शन डे है, तो मैंने मतलब स्टार्ट में इलेक्शन के हवाले से बताया था कि आप सब जो है वो अपना वोट कास्ट करने लाजमी निकलें। तो उसके हवाले से मैंने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, तो वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद ऐड करता हूँ। मैंने कहा चलें एक वो क्लिप एक इलेक्शन डे के हवाले से होना चाहिए, उसमें मतलब सारी मैंने डिटेल जो है वो बताई हुई है, तो वो मैं अब ऐड करता हूँ, वो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। मेरा नाम सैयद फजल अब्बास है और मेरा जो ताल्लुक है वो तहरीक इंसाफ से है, और मेरा हल्का है NA 101 और PP 114। जैसा कि आपको पता है कल इलेक्शन डे 8 फरवरी का दिन है, तो आप सब लोगों ने अपने घरों से निकलना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो हमारे जो हल्के के कैंडिडेट्स हैं वो राना आतिफ साहब हैं कौमी असम्बली के, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो है बोतल, तो आपने बोतल पर मोहर लगानी है। और जो सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं वो हैं चौधरी लतीफ़ नज़र गुजर, और उनका इंतखाबी निशान जो है वो रेडियो है।
तो आप सब लोगों ने इन दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो मतलब मोहर लगानी है और लाजमी निकलना है। और आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप कहेंगे हमारे वोट से कुछ नहीं होगा, सारा प्री प्लान है, बेशक प्री प्लान है, लेकिन आप लोगों ने घरों से निकलना है, वोट डालना है, ताकि उनको आपने थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा उनको मुश्किल में डालना, ताकि वो कोई भी काम करने से पहले सोचें कि यार पीटीआई के इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं और इतने वर्कर जो है वोट डालने आ रहे हैं, तो हमने कैसे इनको हैंडल करना है। तो आप लोगों ने सबने निकलना है। अब मायूसी वैसे भी गुनाह है, कुफर है, तो इसलिए आप लोगों ने मायूस नहीं होना। आप लोगों ने अपने घर वालों को भी लेके जाना है, अपने गली मोहल्ले के जितने भी दोस्त हैं, अजीज़ो करीब हैं, रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, अगर आपके कोई बूढ़े वालिदैन भी हैं तो आप उनको भी लेके निकलें, ताकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है। हमने उसके लिए जंग लड़नी है जो बेगुनाह जो है जेल में कैद है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कल सुबह 8 फरवरी कोशिश करें कि आप सुबह अर्ली निकलें, ताकि सुबह अर्ली रश कम होता है, और अपने अपने जो वोटर पर्ची है वो आप घर से बना के निकलें। उसके लिए अगर आप लोगों ने बना ली है वैलेंट वोट, अगर नहीं बनाई तो 8300 पे आप अपना आईडी कार्ड लिख के सेंड करें, उसमें आपका जो भी मतलब होगा ना हल्का, पोलिंग स्टेशन का नाम और आपका सिलसिला नंबर, घराना नंबर, वो सारा उस पर आ जाएगा। उसका फायदा क्या होगा कि आपको मतलब वहां पे जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपकी पर्ची बनी होगी, आप डायरेक्ट अंदर जाएंगे और जाके अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना आईडी कार्ड जो है वो आपने लाजमी अपना असल आईडी कार्ड लेके जाना है, वो उनको दिखाएंगे, तो आप फौरन जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो वो आपको दो पर्चियां देंगे, एक पे एक ग्रीन कलर की होगी जो कौमी असम्बली की होती है, एनए की, वो रान आतिफ साहब के मतलब उस पर बोतल का निशान होगा, उस पर आपने मोहर लगानी है, और एक पेपर होगा वाइट कलर का बैलेट पेपर, उस पर रेडियो पे आपने चौधरी लतीफ नजर को आपने मतलब निशान लगाना है। और आपने पेपर फोल्ड कैसे करना है, पेपर आपने इस तरह फोल्ड नहीं करना, ठीक है, आपने पेपर मतलब इस तरह फोल्ड करना है, ताकि अगर इस तरह फोल्ड करेंगे इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो निशान है वो किसी और साइड पे नहीं लगेगा, अगर आप इस तरह फोल्ड करेंगे तो वो निशान जो है वो मतलब दूसरी साइड पे लग सकता है और आपका वोट जाया हो सकता है। और इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है, जो आपके पास बैलेट पेपर होगा ना जिसपे आपने मोहर लगानी है, उसकी बैक साइड पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन एंड स्टैंप लाजमी होने चाहिए, उसके बगैर आपने वोट नहीं डालना और वो आपका वोट कास्ट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नादिली आपको वेट करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि बर्गर खत्म हुए हैं भाई, वो लेने गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाते हैं, वेट कर लोगे आप? जी। शवारमा ले लें? मैं शवारमा नहीं खाना, बर्गर खाना ना। हाँ तो भाई थोड़ी देर तक आ रहे हैं तो फिर भाई आपको लगा देंगे, ठीक है? शवारमा ला दे। रात आपने बर्गर भी खाया और शवारमा भी खाया, तो कौन सा किसका टेस्ट अच्छा था नादिली, बर्गर के शवारमा? इधर देख, दोनों अच्छे थे। नहीं रात आपने खाया ना यार, इधर हो ना, रात आपने दोनों खाए थे ना? नहीं वो भाई बर्गर लेने गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप किसका टेस्ट अच्छा था, शवारमे का बर्गर का? शवारमे का। आपने क्या खाया था रात? ए हेलो, आपने रात क्या खाया था? मैंने चीज खाई थी, बर्गर नहीं खाया था, ये केला केला खा गया है। वो शवारमा नहीं, अब लगाना हमने, वो हमारे बर्गर लेने गए हैं भाई, वो आ रहे हैं फिर लगा देंगे, ठीक है? A few inches later. जी मैं बस अभी घर आया था, फ्री हो गया, जरा जल्दी फ्री हो गया था, तो नादिली कह रहा था मैंने बर्गर खाना दोबारा, तो नादिली और गिंदा को मैं लेके गया था बर्गर लेने, तो उन्होंने बर्गर वगैरह खाया, तो कुछ गेस्ट आए हुए अंकल की तरफ, तो हाशिम भाई हैं वो दुबई जा रहे हैं, तो उन्होंने निकलना था फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, तो वो यहाँ आ गए थे, तो उनके साथ खाना खाना खाते हैं, तो देखते हैं क्या खाने में है, तो फिर वो क्लिप भी ऐड करते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हाँ जी आशम भाई ठीक ठाक है, अल्लाह के शुक्र, जा रहे हैं आज माशाल्लाह खैर से? हाँ जी आज जा रहे हैं, खैर खरीद से जाएं, अल्लाह पाक आप खैरियत से लेके जाए, आमीन। A few moments later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह खा लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे कजन है हाशिम भाई, वो आए हुए हैं छुट्टियों में, तो आज उनकी जो है वो रात की फ्लाइट है फैसलाबाद से ना दुबई की, तो तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले भी एक व्लॉग था शादी का जिसमें हाशिम भाई हमारे साथ थे, तो उनको भी मतलब बीच में ऐड किया था। तो हाशिम भाई को बेसिकली ना मतलब पॉलिटिशियन का बड़ा शौक है, पॉलिटिक्स का, तो उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या हालचाल है और क्या सूरत हाल है इलेक्शन की। मैंने तो उनको कहा कि कल इलेक्शन डे है 8 फरवरी, तो आप वोट डाल के जाएं, लेकिन कह रहे थे यार मेरी ना रिटर्न टिकट है तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मसला बन जाएगा। मैंने कहा चलें आप खैर से जाएं, तो आए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हालचाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है आपने? जी अल्लाह का शुक्र। तो मैं तो वैसे कह रहा था कि आप इलेक्शन मतलब इलेक्शन करके जाएं, नहीं वो अपना वोट कास्ट करके जाएं, वो मैंने आपको रीजन बताया था ना कि इस तरह करके मिस्टेक हो गई, नहीं तो इंशाल्लाह वोट भी कास्ट करते और सपोर्ट भी इंशाल्लाह हमारी पार्टी के साथ है, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। सही है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस आपका कैंडिडेट क्या है और अपना एरिया कौन सा है आपका? मेरा सिटी चिन्यौर है,
ये फैसलाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे चिन्योट शहर है, उधर से मैं ऊपर वाली सपोर्ट जोन थी है पीपल पार्टी के सैयद अहमद अलीशा है, सही है एमएनए से, और नीचे जोन से है वो आजाद उम्मीदवार है मियां इमरान निकू करा, सही है फुल सपोर्ट, और इंशाल्लाह माली भी जानी भी हर लिहाज से उनके हम सपोर्ट का ऐलान किया है। सही हो गया। तकरीबन दो दिन पहले तकरीबन एक वो किया है जलसा हम अपने इलाके में किया है, उनका उनको बुलाया है, तो इंशाल्लाह वो विन करेंगे। चलें अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो आप खैर से आज दुबई जा रहे हैं, तो कितनी छुट्टी आप आए थे? मैं तकरीबन 3-3.5 मंथ के लिए आता हूँ, हर साल में आता हूँ, 8-9 माह के बाद आता हूँ, अब जरा 10 दिन ज्यादा हो गए हैं, तो इलेक्शन थे इसलिए मसरूफियात थी, सही, तो इसलिए बस बिजी था। बेसिकली हाशिम भाई जो न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं, तो इनका ना अपना बिजनेस है वहाँ पे दुबई में, तो ये 2-3 भाई हैं वहाँ पे मिलके करते हैं, तो जाहिर सी बात है वन बाय वन जो है ना ये पाकिस्तान में चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि वो काम भी इनका मतलब डिस्टर्ब नहीं होता और इनकी इंजॉयमेंट भी हो जाती है। जाहिर बात है कि अपना घर अपना मुल्क जो है वो अपना होता है, तो वैसे भी शादीशुदा बंदा जो है वो फिर लाजमी 5-6 महीने बाद 7 महीने बाद चक्कर लाजमी लगाता है, तो ये सारा सिनेरियो है। तो हाशिम भाई कोई हमें कोई हमारे व्लॉग्स के बारे में कोई बात बताना चाहें आप? कोई भी लोग आते रहते हैं, देखता हूँ मैं, बड़ा बेकैदगी से देखता हूँ, बहुत अच्छे है आप, मेरी दुआ है कि आप इसको जारी रखें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे से आगे नए से नया करने की कोशिश करें। जी जी इंशाल्लाह। मैं बल्कि ये लास्ट वीकेंड पे मैं गया हुआ था लाहौर भी रजब भट्ट से स्पेशली मिलने, तो वो व्लॉग देखा आपने मेरा? जी जी वो भी देखा है, सही है, वो भी बहुत अच्छा। आप जानते हैं रजब भट्ट माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक व्लॉगर है, और मैं रजब भट्ट से इंस्पायर हुआ था, तो मैं स्पेशली उनसे इंस्पायर होकर मैंने जो है ना वो व्लॉगिंग स्टार्ट की है। वैसे तो आपको पता होगा कि डग्गी भाई भी व्लॉग करते हैं और उसकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको मतलब कोई एटिकेट्स या कोई मतलब इतना सेंस नहीं है, जबकि जो रजब भाई है ना वो माशाल्लाह फैमिली व्लॉग करता है और बड़ा रीजनेबल और एक मोमिन भाई है वो, एल एस ही है। आप देखते हैं उसको कि नहीं? हाँ जी मैं देखता हूँ, मगर मैं ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मगर मैं आपके व्लॉग बड़े शौक से देखता हूँ। सही है, चलो ये तो आपकी मोहब्बत है बहुत, ये मुकम्मल देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज आपने वो की। सही है, चले अब आपने खैर से अल्लाह खैर रखे आपने दुबई पहुंच जाना है, तो आपने कोशिश करनी है मेरे भी लोग वहाँ पे आपके जितने भी कोई मतलब फ्रेंड्स हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनको लाजमी अपने कलीग्स वगैरह को शेयर करने हैं। इंशाल्लाह 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 वो आगे भी मैं कहूंगा और उनको भी बोलूंगा कि आप इस तरह शेयर करें। जी क्योंकि अभी मुझे स्टार्ट में आपको पता बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक एक जैसे कहते हैं ना कि दरिया एक एक कतरा बनके मिलके दरिया बनता है, फिर दरिया मिलके जो है वो समंदर बनते हैं, इसलिए मुझे मतलब सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने मेरे व्लॉग जो है वो मतलब व्यूज उस पे आएंगे, और व्यूज की सारी गेम होती है। इंशाल्लाह फजल भाई आप मेहनत जारी रखें, एक ऐसा मकाम आएगा और व्लॉग आपका हिट हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। कोशिश करें, बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, जो फैमिली सारे मुकम्मल फैमिली देख सकती है आपके व्लॉग, कोई ऐसी बात आप ऐड नहीं करते और किसी का बुरा भला नहीं करते, जो भी चीज पेश करते हैं जेन्युइन पेश करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थे हमारे हाशिम भाई, तो ठीक है हाशिम भाई फिर इजाजत दें, तो अल्लाह पाक जो है वो आपको खैरियत से लेके जाए इंशाल्लाह, तो आप खैर खैरियत से पहुंचे। अब हाशिम भाई जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही पहुंच के ये मुझे इंशाल्लाह मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह अब इनको सी ऑफ करते हैं, फिर जो भी एक्टिविटी होती है वो इंशाल्लाह ऐड करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी माशाल्लाह हाशिम भाई जो है वो चले गए हैं, अभी बस थोड़ी देर पहले निकले हैं, तो उनकी क्योंकि 3 बजे की फ्लाइट थी, 12 बजे का टाइम हो गया, तो चेक इन करना था उन्होंने 12:30-1 बजे, तो अभी बस वो निकले हैं। बाकी आज की रूटीन आपके सामने सारी, कल का दिन जो है वो बड़ा बिजी होगा, क्योंकि कल 8 फरवरी है और पाकिस्तान का जो है वो इलेक्शन डे है, तो आप लोगों से दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने वोट की खातिर निकलें, जिस पार्टी को भी आपने वोट डालना है आपका अपना ज़मीर है, आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपका ज़मीर जिस इंसान को वोट डालने का कहता है तो आप उसको वोट जाके वोट डालें, लाजमी नहीं है कि आपने किसी एक पार्टी को वोट डालना है। तो बाकी इंशाल्लाह कल का दिन पता नहीं कैसा गुजरता है, क्योंकि एक तो मेरी उधर ड्यूटी भी है, सेकंड ये है कि कल पता नहीं नेट होता है नहीं होता, तो अगर कल नेट हुआ तो इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है देर से हो, अगर कल ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह आज का व्लॉग जो है वो कमिंग मतलब फ्राइडे को होगा, क्योंकि कल थर्सडे है 8 फरवरी, और कल अगर नेट बंद हुआ तो कल फिर मुश्किल होगी, नहीं तो फिर अगर लेट नाइट कोई मतलब मसला हल हो गया नेट का तो रात को कर देंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह परसों करेंगे। तो ये है कि इंशाल्लाह अब मैंने सोना भी है, क्योंकि 12:30-1 बजे का टाइम हो गया और सुबह अर्ली उठना है, तो बाकी इंशाल्लाह कल
व्लॉग शायद ना बन सके क्योंकि एक तो ड्यूटी भी होनी है और इलेक्शन डे है तो मुश्किल ही है कल का व्लॉग बने। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की ना हुई या कोई मतलब टाइम मिलता हुआ तो लाजमी करेंगे। तो बाकी फिर इंशाल्लाह परसों फ्राइडे है, फिर जो भी सिचुएशन हुई वो फिर उस हिसाब से करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।